So the thing is like, जो एक छोटा सा बस मैं अपने एक फीलिंग यहाँ पे बताऊँगी, बहुत आप लोग लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर आया ही होगा टाइम कि देन यू हैव टू बी लाइक सेपरेटेड फ्रॉम दैट पर्सन बिकॉज यू वॉन्ट दैट पर्सन टू ग्रो एंड बी हैप्पी. सबने ये फील किया होगा कि आप जानते हैं आप उसके साथ रहोगे तो वो शायद खुश नहीं रहेगा. तो आई हैड दैट फीलिंग, सो आई रोट समथिंग, हियर इट इज. ना जाने क्यों आज तुम्हारी हर प्रैक्टिकल बात मुझे बहुत प्यारी लग रही थी. आज तुम्हारे गुस्से वाली शक्ल से डर नहीं बल्कि प्यार उमड़ रहा था. आज समझ नहीं आ रहा था कि तुम मुझे दूर कर रहे हो या करीब, क्योंकि उन आंखों में मेरे लिए फिक्र दिख रही थी. शायद वो मेरी आशिकी मुझे दिखा रही थी या शायद उन आंखों की सच्चाई थी. मेरे होठों ने उसे दूर जाने को तो कह ही दिया था, पर मेरी आंखों की नमी बस उसे ही बुला रही थी. दिल तो कर रहा था कि उसे कैसे भी रोक लूं, पर कमजोर कैसे कर सकती थी उस सो कॉल्ड आखिरी मुलाकात में. सो कॉल्ड आखिरी मुलाकात में. थैंक यू.